आपको 10th क्लास की बड़ी लगती थी, आज आप पास कर आए। आप 12th क्लास में थे, आपको 12th की बड़ी लगती थी, और 12th पढ़ने को पता नहीं क्या हो जाए, आप 12th पास कर आए। इसका मतलब आपको नीट भी बड़ा लग रहा है, पर एक दिन आपको नीट का एग्जामिनेशन भी छोटा लगेगा जब ये चैलेंज खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के आज आपके पास चैलेंज पढ़ाई का है, कल आपके पास चैलेंज मेडिकल कॉलेज का होगा, परसों चैलेंज जब डॉक्टर बन जाओगे तो अपने आप को प्रूफ करने का होगा, फिर और लाइफ के चैलेंजेस आगे आएंगे। तो हर जीवन में आपको चैलेंजेस के लेवल घटते बढ़ते रहे। जीवन इसी का नाम, जियो जितना जी सकते हो, जितना जी सकते हो, और संघर्ष करते जाओ, भागो मत, डरो मत इससे। अरे मेरे 200 नंबर आ गए, अरे आ गए ना, कोई बड़ी बात नहीं, अगली बार ज्यादा आ जाए, अगली बार कम आ जाए, क्या फर्क पड़ना है। मेन नंबर नीट में आएगा, मेन सिलेक्शन नीट से होगा। ये जो टेस्ट आपके हो रहे हैं वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं इस पोर्शन में ये कमी है, इस पोर्शन में वो कमी, इस पोर्शन में वो कमी, वो कमी बताना चाह रहा है। आप कमी से डरते हो, आप कमी से घबरा रहे हो। आज मान लो इकोसिस्टम का टेस्ट हुआ, 17 क्वेश्चन हुए, 17 क्वेश्चन आए, आपने 15 ही किए, इसका मतलब 2 क्वेश्चन, और हर्ष उल्लास बनाओगे, आपको पहले ही बता दिया कि 2 क्वेश्चन तुमने गलत कर रखे, इसका मतलब एनुअल एग्जामिनेशन आते आते उन 2 को और ठीक कर दो। बात समझ में? तो ये होम एग्जामिनेशन आपको क्या बता रहा है, आपकी कमियां बता रहा है, और आपकी कमियां क्यों बताई जा रही है, जिनसे आप उन्हें ठीक कर सकें, और ठीक कर सकें इसका मतलब आप और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई आप जीतो, बिल्कुल नहीं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। एक 18-19 साल का लड़का वकार यूनुस की पहली गेंद पर जिसकी नाक से खून आ गया और वो बोला कि मैं खेलेगा सचिन, और खेला तो वो ऐसा खेला तो ऐसा खेला कि आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर। क्या हर बार सेंचुरी है? 99 के फेर में कईयों बार विकेट गई है और लोग सचिन को खेलना सिखा देते थे, और यार ये तो ऐसे मारना चाहिए था, और यार ये तो 99 पे जाएगा, अरे ये तो 90 पर जाएगा। एक्चुअल में जब आपके मिलने वाले लोग आपके रिजल्ट को डिस्कस करते हैं तो वो वही गलती करते हैं जो क्रिकेट मैच देखते समय हम लोग करते हैं। हमको पता नहीं होता कि इतने क्राउड में उस पर कितना प्रेशर है जो खेल रहा है। हम समझते हैं हम टीवी के सामने बैठे हैं, ऐसे घुमाना चाहिए था, वैसे घुमाना चाहिए था। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो लाइफ में चैलेंजेस हर बार आएंगे। सचिन की ये बात मुझे याद आती है कि जब भी उसके सामने क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना हुई, जवाब उसने बल्ले से दिया, ज्यादा मीडिया गॉसिप में नहीं रहा। तो यही काम आपको भी करना है कि जब भी आपका मार्क्स कम आए, आपको लगे कि मैं सही फिट नहीं हूं, उस कंडीशन में और ताकत के साथ और हिम्मत के साथ भिड़ना है और अगली बार फिर रिजल्ट लेकर के आना है। आप ये भी मत समझो कि हम अनोखा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दुनिया में हर सिटी में, हर जगह पर, हर एजुकेशन सिस्टम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, हर एजुकेशन सिस्टम में अच्छा स्टूडेंट हर यूनिवर्सिटी को चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं एक जर्नल वर्क कर रहे हैं, ये माइंड में रखें, और उस जर्नल वर्क में हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं ये माइंड में रखें। इसके अलावा कुछ भी माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है अरे इतने नंबर आ जाने चाहिए, एक पेपर उसके लिए बनवा देते, पता लग जाएगा किसके कितने आएंगे। तो यहाँ चैलेंजेस बदलेंगे, और वो जीवन भी कोई जीवन नहीं है भैया जहाँ चैलेंज नहीं है। कोरोना ने बता भी दिया, लोगों ने बहुत कहा 15 दिन की छुट्टी लग जाए तो मजा आ जाए, अरे 6 दिन की छुट्टी मजा लग जाए, ऐसी छुट्टी लगी 6-6 महीने लोग फोन करके बोले काम दे दो, घर पढ़ा देता हूँ, इसका मतलब ये लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। चैलेंजेस जरूरी है, टाइम टाइम आएंगे, और आपको उनका सबका मुकाबला करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके नीट 2021 की, और आप अच्छे से यहाँ रिजल्ट करें और सारे बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। थैंक यू वेरी मच, मस्त रहें, व्यस्त रहें, नमस्कार।